एंड तक बने रहना इस एपिसोड में दोस्तों, क्योंकि आज के इस एस्ट्रो के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रवि, मोनू, चिंटू, सिद्धार्थ और जैसे कहीं भी और नामों की आपके जिंदगी में आखिर क्या है इंपॉर्टेंस। हेलो दोस्तों, मैं शुभांकर आपका स्वागत करता हूं आज के अपने नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आपका सही नाम आपके जीवन में आपको बहुत कुछ दिलवाने में मदद कर सकता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार जिनका नाम SCHN और M लेटर से शुरू होता है, उनका आने वाला मई का महीना बहुत शुभ रहेगा। आपके बहुत सारे पेंडिंग काम पूरे होंगे दोस्तों, और आप अपने गोल्स पर पूरा फोकस कर पाओगे। आपको एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, यानी आपकी जिंदगी की गाड़ी बन जाएगी नॉन स्टॉप वंदे भारत। पर उससे पहले जान लेते हैं कल के दिनांक 25 अप्रैल 2024 यानी गुरुवार के दिन का होरोस्कोप। जिन जातकों का नाम लेटर ए से एम के बीच आता है, आपका कल का दिन शुभ और मंगलमय रहेगा। आप एक धार्मिक स्थान पर भी विजिट कर सकते हैं, अपनी नौकरी से संबंधित कोई नया फॉर्म भर सकते हैं जिसमें आपके सफल होने के बहुत चांसेस हैं। अपना थोड़ा हेल्थ का बस ध्यान रखें और पानी अधिक से अधिक पिएं। माता पिता की कोई पुरानी बीमारी में राहत जरूर मिलेगी और आप खुश भी ज्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं उनकी जिनका नाम लेटर एन टू जी के बीच में आता है। इन लोगों को कल ऑफिस से कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। पेंडिंग वर्क कंप्लीट हो जाएंगे, सभी लोगों से सहयोग भी मिलेगा। आप कल जानवरों को कुछ खाने को दीजिए तो ये आपके अप्रेजल में भी बहुत मदद करेंगे। आपकी शादी की बात अगर रुकी हुई है तो वो भी पक्की हो सकती है। जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो रेड कलर का रुमाल जरूर ले जाएं, और ये और भी बेहतर होगा जब रुमाल आपके किसी लव्ड वन का हो। अब दोस्तों, ऋतिक रोशन नाम तो सबने सुना होगा, अरे वही 6 अंगूठे वाले इकलौते सुपरस्टार एक्टर बॉलीवुड में। लेकिन आपने क्या नोटिस किया है कि ऋतिक रोशन की बहुत सारी मूवीज 2005 से 2009 के बीच नहीं चल रही थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने नाम में एक और एच को ऐड किया और उन्हें धूम टू मिल गई। अब इसके चलते हर ऋतिक जरूरी नहीं कि अपने नाम में एच ऐड कर ले। रुको जरा भाई, सबर करो, आगे भी बताएंगे। वहीं अगर बात करें तो एकता कपूर जी ने हाल ही में अपनी कोई भी पिक्चर का अच्छा बिजनेस ना देखकर अपने नेम के आगे एक और एक्स्ट्रा के ऐड कर दिया, यानी कि उनका नाम हो गया EKKTA। और आप हाल ही में रिलीज हुई क्रू मूवी देख रहे होंगे, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 80 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वैसे उड़ती उड़ती खबर तो ऐसी भी है दोस्तों कि एकता जी अपनी फिल्म्स की स्क्रिप्ट भी एस्ट्रोलॉजर्स के अप्रूवल के बाद ही एग्जीक्यूट करती हैं। हाइला, ये क्या सुन लिया आपने? शॉक हो गए क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है कि एक लेटर में इतनी ताकत होती है कि हमारी डेस्टिनी को पलट दे। तो दोस्तों, हर लेटर से एक साउंड का वाइब्रेशन आता है और हर लेटर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के तौर पर समझें कि अगर किसी का नाम रवि है और उसको UPSC क्लियर करना है, लेकिन रवि नाम वाले जताकों ने लगभग देखा होगा कि वो पढ़ने तो बैठते हैं पर उनका मन थोड़ा विचलित रहता है, जिससे पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रवि नेम में 4 लेटर्स है और 4 नंबर राहु को संबोधित करता है, और रवि का अर्थ वैसे सूर्य है, और सूर्य और राहु एक जगह नहीं रह सकते, तो ये आपके हर सफलता में एक प्रॉब्लम बन के खड़ा होगा। इसलिए अगर रवि नाम के जताक जो हैं, वो अपने नाम में एक और आई ऐड कर सकते हैं, जैसे रवि, तो ये बुध का नंबर हो जाएगा और सफलता जरूर आपके रास्ते आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें भी आपकी जन्म की तारीख का बहुत योगदान होता है, तो इसको किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से कंसल्ट करके ही बदलाव करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने नाम के बारे में पूछना तो अपने क्वेश्चंस कमेंट में जरूर डालें। बहुत से नामचीन लोग हैं जिन्होंने अपना नाम बदला या हटाया, जैसे संजय लीला बंसाली, जिनकी माता का नाम लीला है, और जब तक उनके नाम में लीला नहीं था उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। फिर जैसे ही उन्होंने अपनी माँ का नाम अपने नाम में लगाया, उनकी पिक्चर्स आज मास्टरपीस और बेंचमार्क बन गई हैं बॉलीवुड में दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि संजय लीला बंसाली का भाग्य अंक 2 है और 2 नंबर चंद्रमा का है, जो कि माँ का होता है, और माँ को अपने भाग्य में जोड़ लेने से अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलते हैं। वहीं कपिल शर्मा भी अपने शो में अपनी माँ का एक क्लोजअप इसीलिए डालते हैं क्योंकि उनका भी 2 नंबर का चक्कर है। समझ रहे हो ना आप? 2 नंबर का चक्कर बाबू भैया, 2 नंबर का चक्कर। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपसे कभी कोई बोले कि नाम में क्या रखा है, तो उसको आप बता देना कि सारा माजरा नाम और अक्षरों का ही तो है।
बाकी आप अपना भी देखिए, क्या पता एक अक्षर इधर उधर करने से आपके बिगड़े हुए काम बन जाए, कौन सा अटेम्प्ट यूपीएससी का निकल जाए या लव लाइफ बेहतर हो जाए। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, मिलता हूँ कल के एपिसोड में एक नए रोमांचक ज्योतिष वार्ता के साथ, सेम टाइम सेम जगह, लेकिन जाते जाते एक इम्पोर्टेंट शायरी सुनते जाओ। चली गई वो मुड़कर बिना ही आई लव यू कहकर, चली गई वो मुड़कर बिना ही आई लव यू कहकर, दिल की लग गई वाट क्योंकि मेरे लिए था ये सीरियस मैटर।